अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की दीवारों पर आपत्तिजनक स्लोगन लिखे गए। एएमयू के वीसी और रजिस्ट्रार के खिलाफ स्लोगन लिखे गए हैं। सीए एनआरसी को लेकर 70 दिन से एएमयू के छात्रों का प्रदर्शन जारी है। सूचना मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रोक्टोरियल टीम पहुंची और दीवारों पर लिखे स्लोगन पर पेंट करवाया गया। इकहत्तर दिन हो गया, आज 72वां दिन है आज, सॉरी। और ये जो धरना लगा है इसको 65वां दिन है, लेकिन हमारी जो डिमांड थी अभी एक भी पूरी नहीं हुई। उससे पहले सीए एनआरसी पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था। अब शायद हम अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो हम दीवारों का इस्तेमाल करके अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं, क्योंकि दीवारें जो बोलती हैं वो काफ़ी लोगों को मैसेज पहुँचाती हैं। तो एएमयू की दीवारों पर लिखे गए आपत्तिजनक स्लोगन आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। अलीगढ़ की तस्वीर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की तस्वीर, वीसी और रजिस्ट्रार के खिलाफ स्लोगन लिखे गए। प्रोक्टोरियल टीम ने स्लोगन पर पेंट करवाया है छिपाने की कोशिश, लेकिन उन सबके बावजूद सीएए एनआरसी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। एएमयू की दीवारों पर आपत्तिजनक स्लोगन लिखे गए हैं। एएमयू के वीसी और रजिस्ट्रार के खिलाफ स्लोगन लिखे गए। सीएए एनआरसी को लेकर 70 दिन से धरना प्रदर्शन यहाँ छात्र कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद यूनिवर्सिटी प्रोक्टोरियल टीम पहुंची और दीवारों को रंग से पुतवाया। प्रमोद जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। प्रमोद, क्या कुछ खबर? अब दीवारों पर स्लोगन लिख के छात्र अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्राएं पिछले लगभग 70 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी कड़ी में देर रात छात्रों ने वाइस चांसलर तारिक मंसूर के घर के बाहर और रजिस्ट्रार के घर के बाहर, दोनों के बाहर आपत्तिजनक लैंग्वेज में कलर से लिख दिया बढ़िया तरीके से। और लगातार छात्रों की मांग है कि जब तक वाइस चांसलर तारिक मंसूर और रजिस्ट्रार अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, छात्र विरोध करते रहेंगे। आपको बता दें कि सामान्य नागरिकता कानून को लेकर छात्रों का पिछले लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसी कड़ी में छात्रों ने रात आपत्तिजनक स्लोगन दीवारों पर लिख दिया। और जैसे ही जानकारी प्रोक्टोरियल टीम को हुई, वो पहुंच गए और दीवारों को पुतवा दिया गया। छात्रों ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी के चलते ही उन्होंने खुद छात्र खुलकर सामने बोलने के लिए तैयार हो गए कि उन्होंने ये स्लोगन लिखवाए। जी नजर बनाए रखिएगा प्रमोद, फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।